गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको क्लास एट विषय गणित अध्याय 15 प्रश्नावली 15.3 और पार्ट है आपका 3। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 15.2 पार्ट 2 भेजा था। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला है आपका उपयुक्त प्रयोग करते हुए निम्न तालिकाओं में दी गई राशियों के लिए आलेख बनाइए। अब इसमें आपको ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ किस तरीके से बनाना है, तो इसमें उत्तर एक, ठीक है, पहले का ए पार्ट। अब ए पार्ट में सेबों का मूल्य, सेबों का मूल्य। तो अब जब ग्राफ कॉपी पर आप इसे बनाएंगे तो एक तरफ आपकी ग्राफ कॉपी बनी हुई होगी, ध्यान से देखेंगे इसे, ठीक है। अब इसमें एक तरफ तो आपको सेबों की संख्या दी हुई है और एक तरफ आपको मूल्य दिया हुआ है, ठीक है। अब सेबों की संख्या कितनी है आपकी, 5, तो एक इकाई बराबर 5 रुपये। तो अब 5 रुपये के हिसाब से हम अगर इकाई करते हैं, पैमाना पहले नाप लेंगे, तो एक इकाई बराबर ₹5 और संख्या दी हुई है इसने सेबों की संख्या 5, तो यहाँ करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 और इसकी संख्या कितनी दी है रुपए में, 5, 10, 15, 20, 25 तक है, ठीक है। तो 0 से यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 फिर 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो पहली संख्या हम मान लेंगे 1 और 5, तो हम ए एक्स और वाई, एक्स एंड वाई, तो अगर एक्स हमारा 1 है, ठीक है, और वो 5 है, तो ये हमारा मूल्य 5, वाई, तो वाई तो 5 हो गया और ये 1 हो गया। तो अगर हम इसको देखते हैं 1 और 5, तो ये पहला वाला हो गया हमारा 1 और 5। इसके बाद है आपका 2 और 10, फिर 2 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो इसको फिर 2 और 10, ठीक है। इसके बाद है आपका 3 और 15, 3 ये हो गया और 15 ये हो गया, 3 और 15। इसके बाद है आपका 4 और 20, 4 ये हो गया और 20 ये हो गया, तो 4 और 20। उसके बाद 5 और 25, 5 ये हो गया और 25 ये हो गया, तो ये एक ही सीध में आएंगे आपके, ठीक है। तो ये एक ही सीध में आ रहे हैं। ऐसे आपको कार द्वारा दूरी तय की गई तो उसका भी सेम इसी तरह से, तो एक इकाई बराबर 40 किलोमीटर। उसका मैं वैसे बना देता हूँ बी पार्ट का, तो इसकी इकाई मानोगे एक इकाई बराबर 40 किलोमीटर, ठीक है। तो इसका 6 बजे है, तो 1, 2, 4 है, 1, 2, 3, 4, अब यहाँ 1, 2, 3, 4, तो 40, 80, 120 और 160, इस तरह से आप बनाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए आंसर 2। अब आंसर 2 में आप क्या करना है कि पहला वर्ग दिया हुआ है कि इसमें सेम इसी तरह से आलेख बनाने हैं, तो उसमें पूछ रहा है कि निम्न तालिकाओं का आलेख कीजिए। तो क्या यह रैखिक आलेख है, तो पहले वाले में लिखा क्या यह रैखिक आलेख है, डायग्राम तो आप स्वयं अपने आप बनाएंगे, ठीक है, इसी तरीके से आप ग्राफ कॉपी पे बनाएंगे। अब आंसर 2, तो पहले वाले ए पार्ट का आलेख स्वयं बना के, तो उसमें लिखा है क्या यह रैखिक आलेख है, तो लिखेंगे हाँ, हाँ यह रैखिक आलेख
है, ठीक है। सेकंड वाला है नहीं, जब आप बनाएंगे तो चेक कर लेंगे, नहीं यह रैखिक आलेख नहीं है, ठीक है, यह रैखिक आलेख नहीं है क्योंकि क्योंकि सभी बिंदु एक सरल रेखा में नहीं है। रैखिक रेखा कौन सी होती है, जो बिल्कुल सीधी जाती है, जो 180 का कोण बनाती है, यानी कि सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, और जो बिल्कुल सीधी रेखा जाती है अगर उसी पर सारे बिंदु आ रहे हैं तब लिखेंगे हाँ यह रैखिक आलेख है, और अगर बिंदु उस रेखा से नीचे की तरफ चले गए तो वहां पर वो रैखिक आलेख नहीं माना जाता, क्योंकि वो एक सीधी रेखा पर बिंदु नहीं बने हुए। तो इसीलिए इसका जो ग्राफ है वो आप अपने आप स्वयं बनाएंगे, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के आलेख बनाए थे उसी को देखकर आप ग्राफ कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चनों करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं पहले आप उनको देखेंगे, उनको देख के ध्यान से देख के तब जो क्वेश्चन मैंने नहीं कराए फिर उनको करेंगे। क्वेश्चन मैं वही नहीं करा रहा जो सेम है, जो बिल्कुल अलग है उनको मैं ब्लैक बोर्ड पर कराता जा रहा हूँ, लेकिन जो आंसर सेम होते जा रहे हैं उनको मैं आपको स्वयं करने के लिए दे रहा हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो सके। ध्यान से आप करेंगे तभी क्वेश्चनों को समझ में आएगा, वरना क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सरसाइज 15.3 पार्ट 3 आपको समझा दिया है, ठीक है, बाकी आप ध्यान से करेंगे, ठीक है, थैंक यू।